या मुस्तफा खैरुल वरा आका तेरे जिया कोई नहीं। या मुस्तफा खैरुल वरा आका तेरे जिया कोई नहीं। या मुस्तफा खैरुल वरा आका तेरे जिया कोई नहीं। नबी सोनिया मन मोड़िया कुरान है तेरा नात खां। नबी सोनिया मन मोड़िया कुरान है तेरा नात खां। अरबो अजम देवालिया आका तेरे जिया कोई नहीं। या मुस्तफा खैरुल वरा आका तेरे जिया कोई नहीं। बड़े पीछे साथी बैठे हुए थे आइए। या मुस्तफा खैरुल वरा आका तेरे जिया कोई नहीं। गोदी च लै के सरकार नो गोदी च लै के सरकार नो सोने मिठन मन ठार नो सोने मिठन मन ठार नो। आखे हली मां सादिया आका तेरे जिया कोई नहीं। या मुस्तफा खैरुल वरा आका तेरे जिया कोई नहीं। अल्लाह बुजुर्ग बरतर दी इब्न सना तो बाद ला महदूद दुरूद पाक साहिब उल औलाद ताजदार अंबिया हबीब किबरिया शफाए रोज़े जज़ा शबे सरा के दुल्हा मालिक हरदो सरा सरवर कायनात फख्र मौजूदात बाईस तहरीक कायनात जान कायनात बल्कि जान जहान कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिही व सहाबिही व बारक व सल्लम दी बारगाह मुकद्दसा दे अंदर हदीयतन नकीदतन नजरानतन दुरूद व सलाम पेश करने तो बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम अजीज दोस्तों बुजुर्गो जिसमें आया करीमा नू उनवाने गुफ्तगू बनाया है दौरान खुतबा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। खालिक कायनात ने इस आया करीमा के अंदर हजूर अलैहिस्सलाम की बेसत का जिक्र फरमाया और फरमाया लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फीहिम रसूला। फरमाया अलबत्ता तहकीक असत अपना महबूब तुहाडे विच महफूज फरमाया महबूस फरमाया तुहाडे अंदर भेजिया। लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन फरमाया असा मोमना ते एहसान कीता उन्हां विच अपना शान वाला रसूल भेज दिया। अबाबे दी वकार अगर इस आया करीमा दी लंबी चौड़ी वजाहत करां ते वक्त दरकार है। रसूल अनवर दे गुलामो इंसान दा पूरा वजूद जिहड़ा है अल्लाह दी नेमत है इंसान वास्ते ये भी अल्लाह दा एहसान है। जिन्हां भी अल्लाह ने इंसान नूं नेमतां दित्तियां ने हर चीज मोमिन ते मुसलमान ते अल्लाह दा इनाम इकराम है और हर नेमत जड़ी है
इंसान दे वास्ते खालिक कायनात ने बेमिसल बेमिसाल भेजी है। मिसाल दे तौर ते ऐ हथे बाजूए ये जनाबे वाला जिसम दे किसे जात भी असी गौर करके वेखीए खुदा ना खास्ता इहदे नाल कोई हादसा हो जाए किसी जिसम दे अदा नाल डाक्टरी तौर ते चलण दे काबल ते होएगा पर उहो जिहा नहीं हो सकता जिहड़ा मालक ने अता कीता है। रसूल अनवर दे गुलामो हर शै अल्लाह ने अता फरमाई पर खालिक ने किसी चीज दे देन ते एहसान नहीं जताया। खालिक ने जदों अपना रसूल अता फरमाया फरमाया लोगो मैं तुहाडा रब्बुल आलमीन हाँ, मैं तुहानू तरह तरह दियां नेमतां दित्तियां, मैं एहसान नहीं जताया, मैं एहसान उदों जताया जदों तुहानू शान वाला रसूल अता फरमाया। لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا अल्लाह करीम ने फरमाया अलबत्ता तहकीक फरमाया मैं मोमना ते शान कीता है उन्हां विच अपना शान वाला रसूल भेजिया या अल्लाह रसूल की करेगा फरमाया मिन अल्फुज़िहिम यतलू अलैहिम आयाती वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा फरमाया रसूल बाहरों नहीं आया फरमाया तुहाडे विच्चों आया मिन अनफुसहिम रसूल मिन अनफुसहिम यतलू अलैहिम फरमाया मेरियां आयतां तुहाडे ते तिलावत करेगा यतलू अलैहिम आयात ही वयुज़क्कीहिम फरमाया तुहानू पलीतां नू पाक करेगा तुहाडियां गिलाज़तां नू दूर करेगा वल हिकमत वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब किताब वल हिकमा फरमाया ओ रसूले जिहड़ा तुहानू किताब दा इलम अता फरमाएगा तुहानू हिकमतां अता फरमाएगा तुहानू दानाइयां अता फरमाएगा वयकानू वयनकानू मिन कबनु लफी दलालिम मुबीन फरमाया रसूल अगर ना आउंदा अगर मैं इस महबूब नू ना भेजदा तुसा खुल्लम खुल्ली गुमराही अंदर सौ अहबाबे दी वकार दरा तवज्जो करना। अल्लाह ने इंसान ते हर शै इंसान नू दित्ती हर नेमत दित्ती इंसान नहीं जताया पर जदों अल्लाह ने अपना महबूब भेजिया फिर खालिक ने फरमाया मोमिनो तुहाडे ते एहसान कीता मैं कह या अल्लाह फेर ए रब्बुल आलमीन इशान हुण क्यों जताया ई फरमाया लोगो हुण मैं तुहानू उस तरह दा महबूब अता फरमाया ए इहो जिहा रसूल दित्ता है कायनात विच ना कोई इहदों पहला इहो जिहा आएगा ना कोई इस तों बाद इहो जिहा ताइयों ते चला के गोलड़ा पीर मेर अली शाह गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने आख्या कोई मिसल नहीं डोलदी ओ कोई मिसल नहीं डोलदी ओ चुप कर मेरे अली एते जा नहीं इत्थे जा नहीं बोलन दी इत्थे जा अबाबे दी वकार मेरे ते तेरे करीम आका अलैहि सलातो सलाम दी बेसदे मुबारक होई हजूर दी विलादत ते पा सादत होई शैतान चीहा मार के रोण लग पिया ओदियां जनाबे वाला चेलियां ने ओदे कोल रहण वालियां ने ओदे चाण वालियां ने आख्या गुरु जी खैर अज बड़े अफसरदा हो अज बड़े गमगीन हो अज बड़े जनाबे वाला अफसरदा ते सदमा बड़ा तुहानू लगा होया वजह कीजे उन्हें आख्या बड़ा इश्क रसूल आ गया है उन्हें आख्या यार रसूल ते बड़े बड़े आए ने जनाबे आदम तो लैके ईसा तक एक तो एक वद नबी आंदा रहा शाना लैके आंदा रहा अज क्यों घबरा गए हैं ओह नबी नूह अलैहिस्सलाम आए 950 साल जनाबे नूह ने तबलीग की अल्लाह दे
दे नबी तबलीग करदे रहे। 70-80 बंदे जनाबे वाला उन्हां दे नाल लगे, उन्हां दा सक्का पुत्र तू तरोड़ के अपने नाल ला लिया। ओ यार घबरा क्यों गया है? हजरत मूसा अलैहि सलाम आए, तबलीग की, जनाबे मूसा अलैहि सलाम को हे तूर ते गए, सारी कौम नु मगरों तू वच्छे ते ला लिया, तू घबरा कर लिया, की हो गया जे नबी आ गया ते अगे भी नबी आउंदे रहे ने। उन्हें आख्या यार चले हो गए हो, अगे ते नबी आउंदे रहे ने, अगे रसूल आउंदे रहे ने, उन्हां दे मकाम ते उन्हां दे मरतबे अपनी जगह सन। ए ओ महबूब आया है, ए ओ रसूल आया है, ए ओ महबूब आया है। उन्हें आख्या यार उन्हां दे आउण ते वी ते जनाबे वाला तू कौम नू वरगला लैंदा सै, तू कौम नू गुमराह कर लैंदा सै, हुण क्यों पिया रोना है? उन्हें आख्या यार कौम नू गुमराह करना ते दूर है, ए ओ रसूल पत्थरां नू इशारे करेगा, पत्थर भी इहदे आखे लग जाण। ओ चुप कर मेरे अली, एथे जा खोलो मुंह, चुप कर मेरे अली, आओ निरा मैं कोलो नहीं कहना, सुनो कुरान रसूल अनवर दे गुलामो, वद्दुहा वल्लैले दा सजाओ कोई मिसल दी, कोई मिसल एवें नहीं जनाबे वाला, एवें नहीं पीर मेरे अली शाह ने आखिया, मुस्तफा करीम दे गुलामो कुरान पढ़िया, कुरान करीम दा नचोड़ कढ़िया, हदीसे तैयबा पढ़ी, पीर मेरे अली शाह दा जनाबे वाला मुस्तफा करीम अलैहि सलातु सलाम दी जात नू जदू वेख के जदू कोलू अल्फाज खत्म हो गए, जदू पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह दा इश्क उरूज ते पहुंचया, चरा के गोलड़ा ने आखिया मेरे अली एदियां की सनावां ते मद्दहावां तू करनियां ने, जिदा मद्दहान रब्बुल आलमीन ने, मेरे लिए मुकदी गल मुका ले, कोई दी कोई मिसल नहीं, वमा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, ओए कोई दी कोई मिसल नहीं दो। कौम ने आख्या ओ जनाबे वाला, सारिया हवारियां ओदियां आख्या, ओ गुरु जी शैतान नु आख्या ओ जनाब ए सरदार जी घबरा क्यों गए हो, अगे भी ते लोकां नु अपने नाल ला लैंदे सौ। उन्हें आख्या अगे ते मैं लोकां नु वाकई गुमराह कर लैंदा सां, पर ए ओ रसूल आ गया इहदी जिस्मां ते भी नजर आउणी है, इहदी दिलां ते भी कोई मिसल ना दो दी, कोई मिसल। सुनो रसूल अनवर दे गुलामो, मेरे नबी करीम अलैहि सलातो सलाम दी अजमत शान, अहबाबे दी वकार, शैतान जड़ा है सब तो वड्डा गुमराह है, लोकां नू गुमराह करन वाला है, पर ओनू भी है पता है इस रसूल दा सानी अल्लाह बनाए। अज कोई उम्मती हो के उंजती इंज करे, मैं किसी नू गल नहीं करदा, किसी नू टच नहीं करना चाहता, अज कोई उम्मती हो के आखे मिसलो ना मिसलो कुम, अहे नबी ने आखिया है, अहे जनाबे वाला हजूर ने कुरान अल्लाह ने कुरान विच आखिया है, मैं आखिया या कमली वाले खुद आखिया है, वह लोगों नू समझाउण लई आखिया है, या अल्लाह कुरान विच नबी नू आखिया है, किसी नसीहाबी ने मुस्तफा नू बशर बशर नहीं आखिया, आम बशर नहीं आखिया, हाँ ओ है ने जिन्होंने जड़े पहलिया उमतां दे नबियां नू कहंदे रहे, पहलिया उमतां दे गुमराह लोग नबियां नू अपने जैसा कहंदे रहे। ओ मुस्तफा करीम दे गुलामो, अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफा दे कमालात वेखे ते कमली वाले दी बारगाह विच बैठे हुए ने, ते हजूर दे इश्क दे अंदर जनाबे वाला हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो आप नबी पाक दे इश्क दे अंदर जनाबे वाला इश्क
रसूल दे अंदर मुस्तफा करीम दे जनाबे वाला ऐसे गुलाम सन। मेरे आका ने फरमाया मेरे गुलामो हर मेरे सहाबी ते अकल गलबा करती रही है, एक मेरा अबू बकर सिद्दीक है, इहदे ते सारी जिंदगी अकल ने गलबा नहीं किया, मुहम्मद दे इश्क़ ने किया। इहदे ते अकल ने गलबा नहीं किया, जदों भी किया मुहम्मद दे इश्क ने कीता। रसूल अनवर दे गुलामो अबू बकर सिद्दीक कमली वाले कोल बह गए, बैठे हुए ने अंदर ने सोनिया तुहाडियां शाना दा क्या कहना या रसूल अल्लाह, तुहाडे मकाम दा क्या कहना। फरमाया अबू बकर या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ओ अबू बकर मेरी हकीकत नू मेरे अल्लाह तू बगैर कोई जान। फिर कहना कोई ना डो दियो कोई मिसल ना, चुप कर मेरे अली ओ अच्छे ने आख्या यार शैतान दे हवारियां ने आख्या गल है वे ओ सजना अगे भी ते लोकां नू गुमराह कर लैंदा सैं, अज क्यों पिया रोने। उन्हें आख्या यार जेने पत्थर नू बुलाया वह भी इहदी नबूवत दी गवाही देगा, जेने दरख्त नू बुलाया दरख्त भी इहदे आखे लग के। उन्हें आख्या यार फिर की है, उन्हें आख्या हूँ, उन्हें आख्या जिंज पहले मेरा वस नहीं सी चलना, हूँ उंजे पहले चल जाता सी हूँ उंज नहीं चलना। उन्हें आख्या वजह की है, उन्हें आख्या जेड़ा मुहम्मद दा हो गया वो मेरे वल नहीं आ सकता। उन्हें आख्या यार गल है वे हूँ वो रसूल आ गया है, पत्थरां नू कलमे पढ़ा जा, ए पत्थर नुकल में पड़ा जान दाए ए अनबोलिया भुला जान दाए ए अनबो पढ़ लो फिर अनबोलिया ए गुंगिया थी गल्ला करा जा, ए गुंगिया थी गल्ला करा जा दाए अनबो नंदाए, गुंगिया थी गल्ला करा जा। मशहूर हदीस है ना, एक यहूदी आया मेरे नबी दी बारगाह दे अंदर, आके कहन लगा या रसूल अल्लाह नबी ओ मेरे करीम ने फरमाया शक ते कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह दा नबी हां। आखन लगा मन्नागा ता ओ जेड़ा सामने दरख्त है ओ तेरी नबूवत दा इकरार कर ले ते मैं भी मन जाऊंगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया चल फिर मैं की कहना, तू टुर जा तू जा के कह ओ दरख्ता तेनू अल्लाह दे रसूल याद पे कर दे, तेनू अल्लाह दे महबूब पे याद करते ने। रसूल अनवर दे गुलामो यहूदी गया, अजे कलमा नहीं पढ़िया, अजे कलमा नहीं पढ़िया, अजे नबी दे आखे नहीं लगा, अजे ते चेक पिया करदा। अज लोग आंदे ने नबी किथे वली केड़े वली ओ मुहम्मदी वली, ओ मैं आख्या यार यहूदी जे नबी दा इम्तिहान लैण आ जाए ते कमली वाले ओनू कहण, मैं नहीं कहिंदा तू कह तू कह तू कह, यहूदी दी गल दरख्त नू समझ आ जांदी। पिछे मुहम्मद दा कहना होवे, पिछे नज़र कमली वाले दी होवे, पिछे हुक्म कमली वाले दा होवे, यारो यहूदी दे कहण ते मुहम्मद दी बारगाह अंदर दरख्त चल के आ जांदा है। ज़ार विच यहूदी पिया कहंदा है, बातन विच नज़र मुहम्मद दी है। ओ मैं आख्या चल आओ गए हैं, जिन्हें कलमा नहीं पढ़िया जे नबी ओनू आखे दरख्त योदी सुन लैंदा है, जेड़ा यार गुलाम होवे ओदियां शाना। आए हाय काहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की,
चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमतगारों की, ओ सरदार कयालम क्या, ये शान है खिदमतगार, ये शान है खिदमतगारों की, ओ सरदार कयालम। अब आबे दी वकार दरख्त जड़े वेले चल के आया, दरख्त जड़े वेले चल के आया, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अंदर यहूदी ने सुनिया दिता। यहूदी ने आखिया चल तेनू सामने मुहम्मद रसूलुल्लाह बुलांदे ने। ओ नबी पाक दे गुलामो, दरख्त जड़ा गैर मुतहरक है, वह खुद हरकत नहीं कर सकता। जदू यार दा पैगाम मिलिया अल्लाह ने बेजान नू भी जानता फरमा दिता। जदों मुस्तफा का पैगाम मिलिया अल्लाह ने बेजान नू भी जान अता फरमाई। मैं नहीं कहता, कुतबे हदीस के अंदर मौजूद है, कमली वाले आका अलैहि सलातो सलाम का पैगाम जड़े वेले मिलिया, दरख्त ने अपनी जगह तो जनाबे वाला हरकत की, सज्जे वालिया जनाबे वाला जड़ा हिलिया, जड़ा कढ़िया, खब्बे वालिया भी कढ़िया, टुरदा 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 मेरे मुस्तफा को ला गया। करीम आका दी बार गवे जाके अंदर सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। नबी करीम ने फरमाया भाई ए ते मन गया, हुण तू दस। उन्हें आख्या सुनिया जे ये कहंदा तुसी अल्लाह दे रसूल हो, मैं मन लेना वा वाकई। सुनो नबी पाक दे उलामो, बात दूर निकल जाएगी। हजूर नबी करीम अलैहि सलाम मैं कोलों नहीं कहता, हजरत मौला अली करम अल्लाह वजुल करीम आप फरमाते ने। मैं हजूर नबी करीम अलैहि सलातो सलाम नाल दोपहर दे टाइम हजूर अलैहि सलाम नाल मदीना शरीफ तो बाहर निकलिया, आप फरमाते ने अचानक मैं वेखना वा दरूदो सलाम की आवाज आउंदी है, दरूदो सलाम की आवाज आउंदी है। मैं क्या कमली वाले ए कौन पे दरूद पढ़दा, फिर मैं सुनिया ए किदे दरूदो सलाम दी आवाज पई आउंदी ए। मेरे नबी ने फरमाया ली ए जड़ियां मिट्टी दियां गिचलां ने ऐ मुहम्मद ते दरूद पईयां पढ़दियां। सुनो रसूल अनवर दे गुलामो, अज फिर मेरे एक होर हदीस सुनो, रवायतों में आंदा हजूर सियाबा नाल जा रहे ने, मेरे नबी दे सियाबा ने दरूदो सलाम की आवाज़ सुनी। मेरे नबी करीम ने फरमाया सियाबा ये जड़ी सलाम की आवाज़ आउंदी जे जी या रसूल अल्लाह, फरमाया ए ओ पत्थर जड़ा मेरी विलादत तू पहला दा मेरे ते दरूदो सलाम पत्थरे जड़ा मेरे बेसत तू पहला दा मेरी विलादत ते बासादत तू पहला दा मेरे ते दरूदो सलाम पढ़दा। मैं कह जे कमली वाले नू हजूर नबी करीम अलैहि सलातो सलाम दी जात नू अल्लाह ने मकाम दिता, जे कमली वाला विलादत तू पहला पत्थर दा दरूदो सलाम सुन सकदा, मदीने वाला साडा भी सलाम। तयोसियन यतीमा ते गरीबां दा सहारा या यतीमा ते गरीबां दा सहारा या कसम रब दी मैनू सब तो प्यारा या। खैर मुसलमानों बात दूर निकल गई, रसूल अनवर दे गुलामो आओ अपनी गुफ्तगू समेटना चाहना वा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो, शैतान ने कहा ओ यारे ओ रसूल आया ए ओ नबी आया जिदी हकूमत जिस्मां ते भी होवेगी लोकां दे दिलां ते भी होवेगी। उन्हें आख्या यार हिम्मत कर, तू बड़े बड़े जने गुमराह किते, तू बड़िया बड़िया नु तू पैरा तो कढ़ लिया। उन्हें आख्या मैं रोवाना ते की करां, जेड़ा मुहम्मद दा चेहरा वेख लेगा वह कर जोगा नहीं रहेगा, वो यार दाई हो के बह जाएगा। ओ यही कहेगा महबूब खुदा का कोई हम पाया नहीं है,
जेड़ा वेख लेगा ओ मुसलमानों सुनो जो मेरे करीम आका दी विलादत बासादत हुई सात दिन दे बाद मेरे नबी करीम अलैहि सलातो सलाम दे दादा जान ने हुजूर दा कीका कीता लंगर पक गए बकरे जिबा होए कौम ने आखिया अब्दुल मुतलब जिस सोने दा लंगर पिया पकाने जिदा सदका सानू खुआना ही ऐ दिल कर दे ओदी दीद करिए ओना आखिया जे दीद दी गल कर रहे हो ते ठहर जाओ जदों तुसा ओदा चेहरा वेखना है तुसा मुहम्मद दे हुसन विच गुम हो सुनो रसूल अनवर दे गुलामो फिर मेरे नबी करीम दी दीद कराई गई मुस्तफा करीम अलैहि सलातो सलाम दी दीद कराई गई मेरे आका अलैहि सलाम दी दीद होई ते सारे जनाब वाला मक्खियां ने कमली वाले नु वेखिया वेख के ही कहंदे होणगे वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया वो हुसैनों में हुसैन ऐसे के महबूबे बड़िया बड़िया सोनिया ने वेखिया ओ मक्के दिया सरदारा ने वेखिया जिड़ा जिड़ा भी वेख दे वेख के ही आंदा होएगा रसूल खुदा का कोई हम पाया नहीं है रसूल खुदा का कोई हम पाया नहीं है ओ इस शान का मुरसल ओ कोई आया अहबाबे दी वकार कमली वाले आका अलैहि सलाम नूं अल्लाह निशाना ए दित्तियां ने और नबी पाक दे गुलामा जरा गौर करिया कर अपनी गुफ्तगू दा लुबे लबाब देन लगा मैसेज देन लगा जेड़ा रब ने मैनू तेनू रसूल दिता है पत्थर आखे लग जान वो दरख्त आखे लग जान और डंगर आखे लग जान और सजना मैनू तेनू की होया सी क्यों नहीं कमली वाले दे आखे लग जाए सानू भी तो मुस्तफा की ताबेदारी करनी चाहिए ना जिन्होंने अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है और पत्थर ते दरख्त ते बेजान चीज़ा नू अल्लाह ने यह शऊर दिता है कि कमली वाले आका की जात है यह मुस्तफा करीम की जात है इन्हों की ताबेदारी करनी है सानू तो अल्लाह ने शऊर भी दिता है समझ भी दी है असी तो जानने कि दुनिया जहान ने दोनों जहानों की कामयाबी है अल्लाह पाक सही माने विच नबी पाक दी गुलामी नसीब फरमाए आइंदा जुमे जिंदगी अगर वफा की हज़रत अली मसाद का जिक्र होएगा वो मारे